दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। ये रेल लाइन प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया के साथ साथ चाइना के बॉर्डर एरिया तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथ ही चार धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चार धाम की यात्रा करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। जितना महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है देश के लिए, उतना ही ज़्यादा मुश्किल है इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन करना। इस प्रोजेक्ट में लगभग 85% यानी कि 125 किलोमीटर में से 106 किलोमीटर का रूट टनल यानी कि सुरंग से होकर गुजरेगा। साथ ही इंडिया का सबसे लंबा टनल यानी कि 15.1 किलोमीटर का सुरंग भी इसी प्रोजेक्ट में बन रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट की जानकारी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट का लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट भी पता चलेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद चार धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करना काफी आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी ऋषिकेश से और इसमें ऋषिकेश सहित टोटल 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत तो काफ़ी पहले से ही महसूस की जा रही थी, लेकिन 1996 में इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का काम स्टार्ट हुआ। उस टाइम ये एरिया उत्तर प्रदेश में था, जबकि अब ये एरिया उत्तराखंड का हिस्सा है। इस रेल लाइन प्रोजेक्ट की लेंथ है अप्रॉक्स 125 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट में टोटल 17 टनल और 35 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। इनफैक्ट पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 85% यानी कि 125 किलोमीटर में से 105 किलोमीटर का रूट टनल या फिर ब्रिज से होकर क्रॉस करेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन करना कितना मुश्किल होगा। तो काफ़ी डिफिकल्ट जियोग्राफी होने के कारण इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के रूट को फाइनल करना इतना आसान नहीं था। बॉर्डर एरिया तक आर्मी के मूवमेंट को आसान बनाना, साथ ही इस एरिया में आने वाले श्रद्धालु और पहाड़ी एरिया को रेल से जोड़ने के लक्ष्य से इस प्रोजेक्ट के रूट को फाइनल किया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के द्वारा 9 नवंबर 2011 को रखा गया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट में काम शुरू हुआ 2015 में, जब सेंटर में NDA की गवर्नमेंट बनी। इस प्रोजेक्ट में काम लेट से शुरू होने का मेन रीज़न है जमीन अधिग्रहण टाइम पर नहीं होना। RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को जमीन देने में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम लगा दिया, जिस कारण ये प्रोजेक्ट लेट से स्टार्ट हुआ। पहाड़ों तक रेल पहुंचाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऋषिकेश को चुना गया, लेकिन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन ऋषिकेश शहर के बीचों बीच है और ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर रेलवे ट्रैक बिछाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जमीन अधिग्रहण में काफ़ी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता। इसीलिए ऋषिकेश में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया, योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। और योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को वीरभद्र रेलवे स्टेशन से कनेक्ट किया गया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट है 16,200 करोड़ रुपये। 125 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट को 10 अलग अलग पैकेज में डिवाइड करके कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें से फर्स्ट पैकेज 2020 में ही कम्प्लीट हो गया। फर्स्ट पैकेज में वीरभद्र रेलवे स्टेशन से योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का सेक्शन है। इस सेक्शन में ऋषिकेश में योगनगरी ऋषिकेश नाम से एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। यहां पर ट्रेन का ट्रायल भी कंप्लीट हो गया है। यहां पर देखिए ऋषिकेश में बना हुआ योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का एक झलक। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर भगवान शिव की एक भव्य प्रतिमा को भी लगाया गया है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर ग्रीनरी का पूरा ख्याल रखा गया है। इनफैक्ट एक तिहाई हिस्से में हरियाली एवं हरे भरे पेड़ लगाए गए हैं,
इंडिया में शायद ही कोई रेलवे स्टेशन ऐसा होगा जो कि योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की तरह हरा भरा दिखेगा। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन ही नहीं, वीरभद्र और योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे भी हरे भरे पेड़ लगाए गए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में ही हरियाली एवं प्रकृति के संरक्षण का ख्याल रखा जा रहा है। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन हरिद्वार और देहरादून से भी बड़ा रेलवे का हब होगा। यहाँ पर मेन लाइन सहित 18 रेलवे ट्रैक बनाया गया है। यहाँ काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटी जैसे कि ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, क्विक वाटरिंग सिस्टम जिससे 5 मिनट से भी कम टाइम में ट्रेन में पानी भर दिया जाएगा, साथ ही कोचिंग डिपो, सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफॉर्म पर सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ जैसे कि लिफ्ट, एलिवेटर, वाईफाई, CCTV, रैंप आदि को बनाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट पैकेज यानी कि पैकेज 1 कम्प्लीट है और बाकी के 9 पैकेज में भी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है। इस प्रोजेक्ट के अलग अलग पैकेज में L&T, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, दिलीप बिल्डकॉन, एकॉन और मेघा जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। वैसे तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही हिमालय के टफ जियोग्राफिकल रीजन में बन रहा है और इसका 85% सेक्शन टनल के अंदर से होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में देवप्रयाग और लचमोली के बीच एक 15.1 किलोमीटर का टनल बन रहा है जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे का टनल होगा। इस प्रोजेक्ट के सभी सेक्शन में वर्तमान में कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है और 2024 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग 2 घंटे में ट्रेन से ट्रैवल किया जा सकेगा, जिसमें अभी बाय रोड 6 से 8 घंटे तक का समय लगता है। साथ ही चार धाम की यात्रा, खासकर केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाना इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद रेलवे से भी जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, चाइना के बॉर्डर एरिया तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिस कारण हमारे आर्म्ड फोर्सेज को बॉर्डर एरिया तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, किसी प्रोजेक्ट को अनाउंस करना या फिर उसे एग्जीक्यूट करना गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की एजेंसी के लिए तो आसान होता है, क्योंकि उनका काम होता है केवल फंड की व्यवस्था करना, लेकिन इसमें सबसे मुश्किल है साइट पर कंस्ट्रक्शन करना। तो हम सैल्यूट करते हैं ऐसे वर्कर्स, ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स का जो ऐसे डिफ़िकल्ट रीजन में भी ऐसे मुश्किल कामों को अंजाम देते हैं और हमारे देश के विकास में अपना सहयोग देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी एवं अपने देश में हो रहे डेवलपमेंट से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।